साथियों, जब हम पानी की बात करते हैं तो एक और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बार बार 70 साल चिल्लाते हैं, अरविंद केजरीवाल भाजपा और संघ की भाषा बोलते हैं, दिल्ली सरकार को शीला जी को बदनाम करने के लिए निरंतर हमले करते रहे और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम करते रहे। मैं आज जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उनको दावे के साथ सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ, अरविंद जैसा व्यक्ति झूठा व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। अरविंद हर पल झूठ बोलते हैं। चर्च के मामले में गोवा जाकर के बोला जो चर्च टूटा है दिल्ली में कि वो हमने नहीं तोड़ा, और ये सच सामने आ चुका है कि वो उन्हीं के डिपार्टमेंट रेवेन्यू दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने चर्च को तोड़ा है। वैसे ही पानी के मसले में मैं वापस आता हूँ। पानी के सैंपलों की हम बात करें साथियों, 2013 से पहले और 2013 के बाद जब दिल्ली सरकार के हाउस होल्ड सर्वे की हम बात करते हैं, जो कि पानी को लेकर के जो टेस्टिंग का सर्वे है, जो कि हम नलों से प्रयोग करते हैं साथियों, उसका सैंपलिंग होती है और सैंपलिंग में ये देखा जाता है कि पानी पीने योग्य है या नहीं। और दिल्ली के अंदर लगभग 8 से 9 लैब हैं दिल्ली सरकार की, जिसमें ये जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन जब इन पानी के टेस्ट की हम बात करें और जो WHO का जो मानक है उसमें साफ तौर से ये कहा जाता है कि किसी भी सैंपल का यदि 5 बार से ज़्यादा सैंपल फेल हो जाए तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि फ्री के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक बीमारी परोसी, चाहे वो पानी फेल था या पानी था या नहीं था, लेकिन लोगों के सामने फ्री का चश्मा जो पहनाया उसका नतीजा मैंने अस्पतालों के डेटा पेश किए, एक और टेबल में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यहां जो मैं पानी के सैंपलों का जिक्र कर रहा हूं, 2013 के अंदर जब इन लैब्स के अंदर पानी का टेस्ट किया जाता था तो 2013 के बाद मैं 17 का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी 2017 में लगभग 37,000 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, और जो सैंपल लिए गए इन कंप्लेंट्स में से वो 11,860 मात्र, यानी कि कंप्लेंट 37,000, सैंपल कंप्लेंट पे 11,000, और जो सैंपल फेल हुए थे वो 3,324, 28% सैंपल फेल पाए गए थे, यानी कि जो पानी की सप्लाई हो रही थी वो दूषित थी। जहां WHO कहता है कि 5% से ज़्यादा कहीं कंप्लेंट पाई जाती है तो पानी पीने योग्य नहीं है, उस पानी को तुरंत रोक दिया जाए, यहाँ पानी निरंतर जारी रहा, कंप्लेंट आती गई, सैंपल बढ़ते गए और जांच में 28%। वैसे ही जब 2018 जहां सरकार को इन कंप्लेंट पे काम करना चाहिए था, सरकार ने काम नहीं किया, नतीजा यह रहा कि 2018 में यही कंप्लेंट 18,142, सैंपल 3137 और जो फेल हुए सैंपल हैं 1179। 2019 में 24,000 कंप्लेंट आई, 24,596 सैंपल कलेक्ट हुए, मात्र 4,623 सैंपल जो फेल हुए वो 2,058, यानी कि सैंपल की मात्रा देखें बहुत कम और सैंपल जो लिए गए उसमें भी लगभग 45% सैंपल फेल पाए गए। 2019 की मैं जिक्र कर रहा हूँ। 2020 में जब कंप्लेंट दर्ज हुई वो 28,679, वाटर सैंपल लिए गए मात्र 1426। एक तरफ 28,000, लगभग 28,500 कंप्लेंट करते हैं दिल्ली के लोग और सैंपल लिया जाता है मात्र 1426 और सैंपल फेल होते हैं लगभग 668। परसेंटेज वाइज देखें तो 47% सैंपल फेल पाए गए हैं साथियों। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पानी की सप्लाई है दिल्ली में वो कितनी दूषित है।